जब ये काम बनने लगे तो समझ ले कि आपके जो नाम जप कर रहे हैं, आपका नाम जप बहुत ही तेजी से असर कर रहा है आपके जीवन में, बहुत ही तेजी से। अब उसका पता कैसे लगाया जाए? अगर कोई साधक ये पता करना चाह रहा है कि नाम जप का असर उसके जीवन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वे कैसे पता लगा जाए? इसका बहुत ही सरल मार्ग है इसको समझने का। आप जानिए इस चीज से कि एक साधक है जो निरंतरता से नाम जप किए जा रहा है अपने जीवन में, बिना किसी दिन को उसमें अवरोध लाए हुए, यानी निरंतरता से किया जा रहा है। अकस्मात एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है उस साधक के जीवन के मध्य, यानी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि अब वह समझ नहीं पाता है कि अब ऐसी परिस्थिति में क्या क्या जाए। घर के बड़े बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, घर में आर्थिक समस्याएं चली आती बहुत ही तेजी से, अब उसका दिमाग चकरा जाता है। ऐसी परिस्थिति में अब क्या मार्ग है? अब इस चीज से निकलना असंभव है, क्योंकि वे जो बड़ा घाटा है अब होने वाला है, उसको समझ में आ जाता है कि वे अब ये चीज होने ही वाली है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ ना तो किसी प्रकार का आपको किसी शरण मिलने वाली है, ना किसी प्रकार का आपको दिलासा मिलने वाली है। यहाँ पर आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा, निसंकोच, वो आर्थिक रूप से हो, चाहे आपकी व्यवहारिक रूप से, जीवन के चरित्र से लेकर हो, आपको लगने वाला है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि एक अद्भुत और अप्राकृतिक, चाहे उसको प्राकृतिक कहे चाहे अप्राकृतिक चीज कहे, जो इस संसार से परे है, वो आपका कहीं ना कहीं आपको सहयोग करती है। कैसे करती है, समझिए इस चीज को। एक ऐसी स्थिति आ गई आपके ऊपर कि आपके मध्य कुछ बड़ा हो गया हो और आपको लग रहा है अब आर्थिक हानि है, बहुत गजब की आर्थिक हानि है, और तुरंत उसी समय कुछ ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो जाए जहां पर आपका मोटा ताजा धन लगना होता है, चाहे आपकी स्वास्थ्य से लेकर बहुत ही गंभीर बीमारी होने वाली होती है, वे तुरंत ही डॉक्टरों द्वारा, चाहे वे आर्थिक धन की समस्या होती है किसी के द्वारा बंद कर दी जाती है, यानी उसको वहीं ठहरा दिया जाता है कि नहीं, ये समस्या अब यहीं नहीं, ये आपके बिल्कुल निःशुल्क हो चुकी है, आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा इस प्रकार में। ये समझिए, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार किया है परमात्मा ने, किसी ना किसी रूप में आके ये चीजें होती है। ये एक तरह से आपकी भक्ति का प्रभाव होता है, ये एक तरह से आपकी भक्ति का प्रभाव होता है, निरंतरता से चलने वाली नाम जप का ये प्रभाव काफी लंबे समय से अगर चला आ रहा हो, और अगर काफी लंबे समय से साधक का एक विश्वास हो, जो विश्वास से दृढ़ विश्वास में बदल जाता है, तो मान के रखिए ये आपके जीवन में बहुत ही बड़े कार्य कर सकता है। लेकिन आपको इसका पता नहीं चलेगा, तुरंत ऐसी परिस्थिति आती है और तुरंत उसका ऐसे समाधान होता है जिसे आपको किसी प्रकार का कोई, आपको डर तो लगा रहता है, आपको 101% ऐसे साधकों को नहीं, प्रत्येक आम मनुष्य को डर लगा रहता है अपने आने वाले भविष्य के बारे में कि नहीं, अगर ऐसा हो गया तो मेरे जीवन में मैं पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाऊंगा। अत्यधिक व्यक्तियों को अपने भविष्य से जुड़ा, भविष्य में होने वाली घटनाओं को बहुत ही ज्यादा फिक्र होती, वर्तमान में वे नहीं रहते, वे भविष्य में जाना चाहते हैं, भविष्य में जाकर अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, इसके लिए वे आज से ही उसका प्रयत्न करने लग जाते हैं। अब जब भी वे ऐसी सुविधाएं देखने लगते हैं, उसका प्रयत्न करने लगते हैं, तो मान के रखिए स्वाभाविक सी बात है कि उनसे जुड़ी हुई काफी समस्याएं, काफी नकारात्मक भाव और काफी कम सकारात्मक भाव आपके मस्तिष्क से जुड़ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में डर का भय भी लगा हुआ रहता है मन मस्तिष्क में, तो उन परिस्थितियों को निपटाता है, निपटाने का कार्य होता है परमात्मा का, वह सहज रूप से इन परिस्थितियों को कर देता है। जो आप अस्वाभाविक रूप से उन परिस्थितियों का भय बनाए रखते हैं, वे होती नहीं है, वे वैसे होती नहीं है, लेकिन उसका डर सबसे ज्यादा सताए रहता है। जो घटना अभी तक बीती नहीं है, उसका बेविचार में आप उसको बार बार विचार करके मानसिक तनाव उत्पन्न करते, ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए परमात्मा क्या करते हैं, लीलाधर की लीलाएं देखिए किस प्रकार से होती है। लीलाधर ऐसी लीलाएं करते हैं मानव के जीवन में, देखिए जब नाम जप करते हैं काफी लोग,
तो क्या होता है, निरंतरता से नाम जप करते हुआ एक युवा अवस्था बालक जब नाम जप करता हुआ है, तो सोचिए वे कैसे दलदल में फंसा हुआ है। अभी वे मोबाइल देख रहा है, अभी वे ऐसी चीजें कर रहा है जो उसके मन में काफी उफान मार रही, तूफान की तरह चल रही है। काफी काम वासनाओं से लेकर उनके मन में संशय है, उत्पन्न है, काफी सारे प्रश्न है कि किस प्रकार से ये संसार बना हुआ, कौन है, लड़के और लड़की में किस प्रकार से भेद, उसको जानने की उत्कंठा है उसके हृदय में, वो चंचल मन है उसके भीतर। तब वे धीरे धीरे उसको जानने के लिए जानता है। अब जब भी उसको पता चलता है कि परमात्मा का मार्ग सबसे उत्तम बताया गया है इस संसार में, जो भगवान पिता परमेश्वर की राह जाता है उसका लक्ष्य ही सबसे मोटा मोटा परमात्मा की प्राप्ति है, तो उस मार्ग पे वे निकल पड़ता है, नाम जप का सहारा लेता है, भगवान के नाम का सहारा लेता है, धीरे धीरे चल पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसके भीतर में कई प्रकार के स्वाभाविक से प्रश्न उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, जो कि जान पड़ते हैं कि हाँ बिल्कुल अशुद्ध होते होंगे, गलत विचार उसके मन में आते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है कि ये नाम जप का असर होता है, क्योंकि जैसे जैसे नाम का अंतरकरण जो लाभ आने लगता है, तो अंदर की जो हानि बैठी हुई है, जो यानी नुकसान बैठा हुआ था, जो आपने अर्जित किया था इतने लंबे समय से, वो अब निकलने लगता है किसी ना किसी रूप में। वे धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से बाहर निकलने लगता है, गंदे विचारों के रूप में, गंदी वाणी के रूप में, गंदे दृश्यों के रूप में। तो इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा सर्वप्रथम। जब साधक इन चीजों का रखरखाव कर लेगा, तो मान के चलिए ऐसी स्थिति में क्या होगा कि साधक अपने जीवन में कई प्रकार के सुधार कर सकता है, बहुत ही गजब के सुधार कर सकता है, और इतने अद्भुत अद्वितीय ये सुधार होंगे कि जो आपके जीवन को बहुत ही उत्तम लक्ष्य तक पहुंचा देंगे, यानी बहुत ही उत्तम किस्म में आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए इतना अग्रसर हो जाएंगे कि उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, निसंदेह कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में साधक निरंतरता से नाम जप करने लगता है, मेसुद हो जाता है, नाम जप के लिए, परमात्मा के नाम जप के लिए निरंतरता से समय निकालने का प्रयासरत रहता है, यानी निरंतरता उसके लिए समर्पित हो जाता है। यह होता समर्पण भाव, एक प्रकार की हृदय में ललक उत्पन्न हो जाती है परमात्मा प्राप्ति के लिए। ऐसी ललक उत्पन्न होती है कि वे चाहता है कि अब उसका त्याग ना हो, अब उस परमेश्वर के नाम का स्मरण का त्याग बिल्कुल ना हो। अब जैसे ही त्याग उत्पन्न होने की कोशिश करता है, तो क्या होता है ऐसी स्थिति में वे व्याकुल उठा, यानी साधक व्याकुल उठता है, तब उसके हृदय से उस प्रभु का नाम यानी उसका थोड़ा थोड़ा धुंधलापन आने लगता है, तो व्याकुल उठता है कि नहीं क्या हो गया ये स्थिति में। तो वह निरंतरता से उसी मार्ग पे आने की कोशिश करता है वापस, यानी भक्ति भाव से उस परमात्मा के पास नाम को वापस सुमरण करने लगता है। ये नाम जप का बहुत ही गजब का असर होता है एक साधक के भीतर। और एक सबसे अच्छी बात यह है, आप ये जान लीजिए, जो नाम जप है, आप अगर इसको निरंतरता से करते हैं तो बहुत उत्तम बात होती है। और इसकी सबसे उत्तम बात है कि एक साधक अपने जीवन में कुछ भी साथ नहीं ले जाता, केवल और केवल एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, यानी आध्यात्मिक मार्ग से देखा जाए, तो एक ऐसी चीज है जो परमात्मा ने बनाई है, वो दिखाई नहीं देगी स्पष्ट रूप से, क्योंकि उसका रूप भौतिक ही नहीं है, वह है अब प्राकृतिक चीज है जो मन में है। जैसे मन क्या है, मन काफी सारे विचारों से भरा हुआ है लेकिन देखा नहीं जा सकता, उसी प्रकार से परमात्मा का भाव है ये। अगर अद्वितीय भाव से ये विश्वास अगर जागृत रहता है, ये नाम अगर जागृत रहता है, नाम क्या है, नाम आपके भीतर समाया हुआ है, अगर उसको आप बिल्कुल एक छिछले पानी यानी छिछल रहा है आपके, अब लहरदार पानी अभी स्पष्ट रूप से दृश्य नहीं दिखाई देगा, जब वह पानी एकदम ठहर जाएगा आपके हृदय में, तब आप उसका दृश्य देख सकते हैं, उसको एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उसके भीतर क्या छुपा हुआ है, आप बिल्कुल उसको गहराई से जान सकते हैं। इसलिए इस चीज को
पहचानिए अब वो पानी क्या है जो बार बार में उठ रहा है, चिचल रहा है, ठहर नहीं पा रहा, वे है आपके भीतर के भाव, आपके भीतर के काफी सारे विकार जो पांचों दृष्टियों से, पांचों इंद्रियों से हुआ करते हैं बार बार, उसको आपको ठहराना पड़ेगा निरंतरता से। अब इसका सबसे सरल मार्ग यही होता है कि एक साधक को अपने जीवन में निरंतरता से बारंबार अभ्यास करना ही पड़ेगा। इतना अभ्यास करना पड़ेगा कि उसके जीवन में एक ऐसी उम्र में अगर वह पहुंचे तो वह एक परिपक्व साधक बन जाए। परिपक्व साधक वे होगा जो अपने जीवन में अब कुछ संकल्प लेने लग गया हो। अगर वे एक दिन का भी संकल्प लेता है यानी 12 घंटे का भी वे संकल्प लेता है तो वो बहुत ही अच्छी तरह से उसको निभाता है। अर्थात आपको अपनी उम्र बढ़ने के साथ काफी प्रकार के सुधार करने पड़ेंगे इस मार्ग में। धीरे धीरे काफी सारी त्रुटियां भी आपके साथ होगी, काफी सारी गलतियां आपके साथ होगी, लेकिन ये मार्ग ऐसा है कि आप जितनी गलतियां करेंगे जितना ही आप निखर के बाहर आएंगे। अर्थात आप इस चीज को इतने सुलभ रूप से करते रहें, निरंतरता से करते रहें, ताकि आपके जीवन में काफी प्रकार से लाभ की आकांक्षाएं बढ़ जाए। जीवन में आगे चल के नाम जप का असर इतना अद्भुत और अप्राकृतिक है जो आपने सोचा नहीं होगा। आप देखेंगे कि इस व्यक्ति ने सांसारिक मार्ग में तो सांसारिक जीवन में तो काफी सारे दुख पाए हैं, लेकिन जो दिख नहीं रहा है वो कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं समझ सकता। अगर जान ले कि एक साधक बहुत ही अपने वचनों का बहुत दृढ़ है, अपने नियमों का बहुत दृढ़ है, तो मान के रखिए वो परमात्मा प्राप्ति का सबसे बड़ा भागीदार बन जाता है ऐसी स्थिति में। इसलिए ये भाव, ये दृढ़ निश्चय करके ही आपको ये प्रण लेना पड़ेगा। अगर आप इस जीवन में हैं तो मन मार के अपनी सारी गलतियों को साइड में रखते हैं, केवल और केवल परमात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये संसार संपूर्ण रूप से परमात्मा की देन है। पल जितने प्राणी हैं, जो जल के अंदर है, जो आकाश में उड़ने वाले और जो धरती पर रहते हैं, वे सर्व परमात्मा की ही देन है। यानी उस परम पिता परमेश्वर नारायण ने ही उसको विकसित किया है। केवल और केवल अपने एक विचार मात्र से सृष्टि का निर्माण हो जाता है उनके, केवल और केवल विचार मात्र से। सोचिए आपका उद्धार वे केवल और केवल विचार मात्र से भी कर सकते हैं। इसलिए केवल और केवल उनका नाम जपते रहे, इसलिए कहा गया, क्योंकि पता नहीं किस नाम पे यानी कितनी बार गुरु नाम बोलते, कौन सा एक नाम केवल और केवल उस प्रभु की कान तक पहुंच जाए और उसकी दृष्टि आपकी ओर हो जाए तो आपका संपूर्ण कल्याण कर देंगे। जन्मों जन्मों जन्मांतर से ये आत्मा भटकती आ रही है, उसका कल्याण कर देंगे। इसलिए इस चीज का आपको बहुत जरूरी रूप से ध्यान रखना पड़ेगा और ये कार्य समझ लिए आपका उद्धार करने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें हमारे इस चैनल को। आत्मा का सफर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भक्ति वासुदेवाय।